हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रवीण, आपका दोस्त आगरा से। तो दोस्तों, मौसम काफ़ी ख़राब है। देखिए, हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है। और दोस्तों, ये बारिश सर सुबह के करीब 3-4 बजे से ही चल रही है कंटिन्यू। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, बारिश भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि रोड पर ही पानी भरा हुआ है। दोबारा आ गई है बारिश। दोस्तों, वैसे तो अच्छी है, क्योंकि पॉल्यूशन वगैरह कम हो जाएगा और ठंड भी इससे बढ़ जाएगी थोड़ी। चलिए, आज मौसम के मज़े लेते हैं और जो भी होगा आपके साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और दोस्तों, कल शाम को हम गए थे मंदिर, छोटू का वो खीर वाला प्रोग्राम था, वो वहाँ पर बना रहा था। मैं उसने खीर वगैरह बांटी, उसके बाद गए थे रेस्टोरेंट खाना। तो अभी वो हमारे पापा नहा लिए हैं, तो पापा नहा के पूजा कर रहे हैं। दोस्तों, ये पेड़ वगैरह, इनके ऊपर भी धूल काफ़ी जम गई थी, तो बारिश इतनी हुई है कि सब पेड़ वगैरह एकदम साफ हो गए। अभी देखिए आपको दोस्तों मौसम दिखा देता हूँ कैसा है। बादल देखिए दोस्तों, मौसम एकदम पैक हो गया है, गर्मी के भी चारों तरफ। दोस्तों, बादल गरज भी रहा है और बारिश अभी और होगी, अभी चल रही है। तो मौसम हो गया ठंडा। तो दोस्तों, चलते हैं अब अंदर, क्योंकि बाहर रहने में कोई फ़ायदा नहीं है बेकार में। और तो थोड़े कपड़े भी पहन लेते हैं, क्योंकि तबीयत वगैरह ख़राब हो, उसमें से अपने कपड़े वगैरह पहन लो। दोस्तों, आज मैं मौसम की वजह से कहीं गया भी नहीं, तो मैं अभी जा रहा हूँ 7 बजे। तो बस अभी तैयार होगी, बस आपको मिल लिया हूँ मैं। तो दोस्तों, चलिए अभी कंटिन्यू रहेंगे, देखने क्या करते हैं। तो मौसम है ठंडा, तो ठंडे मौसम में भाइयाँ बनाई जा रही हैं आलू की कचौड़ी। तो दोस्तों, हम बनाते हैं बड़ी वाली कचौड़ी। जैसे एक तो इतनी बड़ी होती है, हम बनाते हैं इतनी बड़ी कचौड़ी। तो देखिए दोस्तों, ये है कचौड़ी, पर कचौड़ी थोड़ी फट गई है इसमें, वैसे काफ़ी अच्छी बनेगी। अब एकदम दोस्तों ये कड़क हो जाएगी, पर फट गई है तो इसका आलू का मसाला निकल गया है। तो अभी खा के बताएँ आपको कैसी बनेगी, ज़बरदस्त बनेगी कचौड़ी। रोटी बनाते हैं दोस्तों, पर इस बार मैंने कह के बड़ी बड़ी बनवाई है। ये दोस्तों अपनी इतनी बड़ी कचौड़ी, मतलब एक्सेल नहीं, डबल एक्सेल में बनाई है हमने कचौड़ी। तब कचौड़ी खाएंगे दोस्तों, सारी कचौड़ियाँ इतनी साइज की बनाएंगे और खाना करते हैं इसका। तो अभी आप बोलेंगे, तो ये देखिए हमारे बेबी और जैकी का प्यार, जो अपनी बोतल को लेके फैला देता है जैकी के सामने, और कोई नहीं होता है तो वैसे ज़्यादा पूरी बोतल फैला दी है। दोस्तों से रोटी मिल जाएगी तो अभी जैकी को खिलाएगा या गाय को खिला देगा, उसने पूरी बोतल फैला दी है। तो जैकी मस्त दूध पी रहा है, जे कदा बैठा हुआ है कटिया पे, जे बस जे ही काम करता रहता है। देखो अभी दोस्तों इससे प्यार भी करेगा, देखो हाँ हाँ, बस दूधते ही का दूधते ही। तो अभी हमारे सर्किट हाउस, तो सुबह तो आ नहीं पाए थे क्योंकि मौसम खराब था, तो अभी हम सर्किट हाउस आ गए हैं अपनी जॉगिंग के लिए। तो सुबह से तो घर पे ही थे, तो मैं और यशपाल भैया दोनों आए हैं अपनी जॉगिंग के लिए। तो अभी थोड़ी जॉगिंग वगैरह करके चलते हैं, क्योंकि उधर से लौटूंगा तो आपको सर्किट हाउस एक बार दिन में भी दिखा दूंगा, क्योंकि सुबह के टाइम तो अंधेरा ही रहता है। चलिए अपनी जॉगिंग कंटिन्यू करते हैं, आपको लौटते हुए दिखाता हूँ सर्किट हाउस। ये है दोस्तों सर्किट हाउस की बिल्डिंग, ये गार्डन बहुत बढ़िया है दोस्तों। यहाँ का ये पुरानी बिल्डिंग है, सन 1990 की। अंदर तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया थी, है 1990 ही है। तो दोस्तों, अभी हम मैं और सौरभ जा रहे हैं घूमने, तो जो हमारे सौरभ भाई गाड़ी चला रहे हैं। सौरभ भाई आए करो यार, तुम दोनों हाथ छोड़ेंगे, तुम दोनों हाथ छोड़ेंगे। तो सौरभ भाई दोनों हाथ छोड़ के आए नहीं करेंगे। तो अभी दोस्तों चल रहे हैं मार्केट को, थोड़ा घूम करके आते हैं। पहले भी मैं और इसपाल भैया गए थे सर्किट हाउस, तो करीब 5 किलोमीटर तो हम दोस्तों जॉगिंग करके आ गए हैं। तो अभी फिर हम बाइक से घूम रहे हैं, अपना पसीना सुखा रहे हैं, तो इसके बाद थोड़ी देर में जाएंगे घर। तो चलिए फिर घूमते हैं हम सौरभ भाई के साथ, मैं और दोनों सौरभ भाई गाड़ी चलाते घूम रहे हैं। अभी हम जा रहे हैं मधुनगर उभर्रा की तरफ होते हुए। तो दोस्तों, हमारे चाचा के घर भी हमारे घर से थोड़ा आगे ही है, इसी रोड पर पड़ता है। तो सौरभ और मैं दोनों जा रहे हैं, और हमारे शेखर भाई वगैरह सभी इधर ही रहते हैं। तो दोस्तों, इसी से पहुँचे हैं मधुनगर, वहीं से मिलेंगे आप। दोस्तों, हमारे भरत भाई मिल गए हमें रास्ते में। तो दोस्तों, दिन में भी वर्किंग करते हैं, रात में भी करते हैं, मुझे बॉस है, तो ये दोनों कमाई के चक्कर में लगे हुए हैं। नमस्ते बॉस। हाँ दोस्त, चल रही है। दोस्त, मैं ये कह रहा हूँ बॉस के भरत भाई और उनके बॉस दोनों जने कमाई के चक्कर में दिन रात कुछ नहीं देख रहे हैं, लगे हुए हैं। कमाई के चक्कर में नहीं लगे भाई साहब। अच्छा, कंपनियों को पैसे के चक्कर में, ये तो कंपनी ले लेगी।
हाँ कंपनियों को कमाई के कंपनियों को कमा कमा के दे रहे हैं। कंपनी कह देगी भाई तेल चटाई लेके चलो। हाँ तो नहीं सही बात है, बहुत वैसे भी हालात ऐसी बनते जा रहे हैं तेल चटाई वाली। आगे आने वाला जो समय है उसमें जरूरत पड़ रही है। हाँ बिल्कुल, तो भी कुछ जो MR है जो अपना काम कर रहे हैं उन्होंने मार्केट में मिट्टी खराब कर रही है। और दोस्तों हम भी बाई प्रोफेशन MR ही है, बॉस की बात से एग्री करते हैं। भरत भाई है ना, भरत भाई शर्मा बहुत रहे। चलो ठीक है बॉस, तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइम। चलो भरत भाई कहाँ जा रहे हो? मैं मधुनगर जा रहा हूँ। अभी हम जॉगिंग करके आ गए हैं, अभी हम खाएंगे रबड़ी और जलेबी अपनी कमजोरी दूर करने। मैं और सौरभ खाएंगे रबड़ी जलेबी अपनी वीकनेस कम करने के लिए। सौरभ भाई कमजोरी कम हो जाती है इससे। तो भी दोस्तों खाते हैं टेस्ट के लिए। पूरी लो पूरी भाई साहब मेहमान। तो भैया हमारी इनकी जलेबी की दुकान है, कौन सी है भैया अपना एड्रेस क्या है इसका? हाँ तो भैया रबड़ी और जलेबी दोनों साथ बेचते हैं और दोस्तों काफ़ी बढ़िया है। भाई सौरभ भाई तो पहले से खाते रहते हैं, सौरभ भैया मिलाए हैं पहली बार, हमारे दोस्तों काफ़ी बढ़िया लगे। सौरभ भाई अभी दोस्तों चल रहे हैं भैया की बनने की जलेबी दे देगी लिए, तो अभी हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ। तो ये बंधु कटरा की सब्जी मंडी है। और दोस्तों हम जैसे घूमने फिरने भी जाते हैं तो अपना वजन कम करने का या वो कोई मकसद नहीं है दोस्तों, हम खाने पीने के शौकीन आदमी हैं तो केवल बस उसको मेंटेन करने के लिए हम घूमते हैं। तो यही दोस्तों रियलिटी है, क्योंकि हम खाते पीते रहते हैं, जगह अपनी सर्च करते रहते हैं और सौरभ भाई भी हमारे सर्च करते रहते हैं खाने पीने के शौकीन है। बस तो अपना घूमना फिरने का यही मकसद है, हेल्थ भी बढ़िया रहे वो खाते पीते ही रहो। चलिए अभी चलते हैं हम घर अपने, मिलते हैं आपको वही राजपूत चुंगी भाई। भाई पहुँच गए राजपूत चुंगी, तो सौरभ भाई अब जाएंगे अपने घर, वो हम जा रहे हैं अपने घर। सौरभ भाई चलो घर मिलेंगे। चलो दोस्तों हम चलते हैं घर, सीधे मिलेंगे आपको घर ही। दोस्तों ये बेबी अभी सोया नहीं है, छत पे ही घूमने में लगा हुआ है बाबा के साथ। जी रही गुन्नी बेबी, क्या खा रहा है? आ देखो दोस्तों आकर के घर आकर यो आ आकर आ आकर आ बेबी बेबी बेबी। अच्छा गोडी आएगा, गोडी आए तो दोस्तों ये आ गया है अभी माई गोडी, ये गोडी आ गया है दोस्तों। और इसको ले चलता हूँ अंदर, इसके दोस्तों दांत निकल रहे हैं तो कई बार इसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब जी आ गया बेबी, अभी नानी से बात करेगा। नानी से बात करियो, नानी से, नानी से बात करा दो, वीडियो कॉल करेंगे। हाय मम्मी लाला, चल जा 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 जा, करेगा अपनी नानी से बात। है देखो अब जी मौसी से नानी से सबसे बात करेगा वीडियो कॉल पर। तो दोस्तों दिख रहे हैं। ये हमारे रिश्तेदार के टावर थोड़े कम आ रहे हैं दोस्तों गांव के मच के। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये लोग करेंगे बात आपस में फोन पे। तो मैं दोस्तों यही कहना चाहूंगा जो जैसे हमारी वीडियो बहुत से लोग देख रहे हैं दोस्तों, कुछ उनमें से जैसे उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तो चलिए मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।